अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोटेटवार सर एवं सचिव डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय सर का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे वक्ता के रूप में उपस्थित आज के हमारे एमिनेंट स्पीकर डॉक्टर अजय कीर्ति जैन, उनका विशेष स्वागत करती हूँ। हमारे चेयरमैन, हमारे अनुभवी और शैक्षणिक गतिविधियों में विशेष श्रेष्ठता को हासिल हमारे चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर NIA में प्रोफेसर के रूप में पदस्थ हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारी टीम के सहयोगी टेक्निकल एक्सपर्ट, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से हो पाएगा, उन हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तथा साथ ही सभी हमारे शिक्षकों और प्रबुद्ध जनों का स्वागत करते हुए गणेश जी से निवेदन करती हूँ, सॉरी गणेश जी नहीं, उनकी आदत सी हो गई है, प्रशांत जी को एक निवेदन करती हूँ कि धन्वंतरी वंदना के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत जो है वो प्रारंभ करें। धन्यवाद। ओके मैम। ये कैसे इधर होगी, ये वीडियो प्ले करिए ना। वेट अ मिनट, ड्यूरिंग कॉल आ रहा है। एक सेकंड मैम, थोड़ा सा ठीक है। अब हम तब तक इंट्रोडक्शन कर लेंगे। ओके, हम धन्वंतरी वंदना प्रारंभ करने के पूर्व हमारे जो आज के एमिनेंट स्पीकर हैं भाई अजय कीर्ति जैन, उनका मैं संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अजय कीर्ति जैन सर आज यूज ऑफ आयुर्वेदीय प्रकृति परीक्षा इन प्रेजेंट एरा उनका टॉपिक है, इस पर ये अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं। कीर्ति जैन ने एकेडमिकली वो उन्होंने BSc BAMS MD रोग विज्ञान पुणे यूनिवर्सिटी तिलक महाविद्यालय से 1996 में किया है। उसके बाद उन्होंने विशेष रूप से डिप्लोमा योगा में डिप्लोमा भी 1998 विक्रम यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया है, और एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में उन्होंने MA फिलोसफी 1992 में विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से किया है। वर्तमान में डॉक्टर जैन एसोसिएट प्रोफेसर NHOD डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन मध्य प्रदेश में पदस्थ है। सर का एक्सपीरियंस जो है वो 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सर ने 50 रिसर्च पेपर्स जो है वो प्रेजेंट किए हैं भिन्न भिन्न नेशनल सेमिनार और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। सर को गाइड रहे हैं, उनके विषय में वहां PG नहीं है, लेकिन अन्य विषयों के साथ में सर को गाइड के रूप में PG स्टूडेंट्स को भी सर ने सुपरवाइज किया है। सर विशेष रूप से जो सिंहस्थ मेला होता है उज्जैन में, उसमें सर मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिक्स को जो ट्रेनिंग भी प्रदान की है। अतः
ऐसे विद्वत डॉक्टर भाई अजय कीर्ति जैन सर का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में सर की प्रथम नियुक्ति 1999 में खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय और संस्थान में प्रथम नियुक्ति हमारी साथी में हुई थी। अतः अजय कीर्ति जैन का मेरा भाई के रूप में विशेष स्नेह है और उनको मैं स्वागत करती हूँ और उनके वक्तव्य के लिए उनको उपस्थित हों और अपना विशेष हमको मार्गदर्शन के रूप में, यहाँ पर तो 45 मिनट का ही समय है इसलिए एक मार्गदर्शन के रूप में हमको उनके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। हमारे चेयरपर्सन के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा सर। सर वर्तमान में एनआईए में 2017 से प्रोफेसर के रूप में सर का कार्यकाल चल रहा है एनआईए जयपुर में। सर ने एमडी रोग निदान एनआईए जयपुर से 1999 में किया और सर ने इसके साथ ही पीएचडी 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया है। सर ने अपना एकेडमिक करियर जो है वो लेक्चरर के रूप में पंजाब के मुक्तसर से 2000 में प्रारंभ किया और वर्तमान में वो अपनी इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए एनआईए में रोग निदान प्रोफेसर के पद पर कर्तव्यस्थ हैं। सर के स्पेशल अचीवमेंट में बहुत सर के बहुत सारे अचीवमेंट हैं लेकिन हमने उसमें से कुछ ही निकाला है क्योंकि आपका प्रेजेंट आपका जो एकेडमिक कैरियर का और इतने स्पेशल अचीवमेंट हैं कि वो हमारे लिए बहुत हो जाएंगे और आज का लेक्चर जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए सर ने उसमें से जो विशेष है उनको निकाला है, फिर भी कहीं कुछ छूट गया हो तो उसके लिए आप मुझे माफ करेंगे। सर ने सर जो है उनके स्पेशल अचीवमेंट में उन्होंने सर एडिटर हैं अभिव्यक्ति वॉल मैगजीन के और सर कंट्रीब्यूटरी ऑथर हैं बुक ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट के एंड ऑल्सो ही इज कंट्रीब्यूटिंग द बुक वेदों में आयुर्वेद। ये दो बुक में सर ने अपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके द्वारा सर के द्वारा मानस रोग विज्ञान पर एक बुक पब्लिश की गई है जो आयुर्वेदिक नर्सिंग पर आधारित है। सर WHO फेलोशिप योजना के अंतर्गत थाईलैंड में इनोवेटिव सेक्स एजुकेशन पर 1 मंथ की सर ने फेलोशिप अवार्ड भी किया है। सर ने इंटरनेशनल प्रोग्राम व कॉन्फ्रेंस इजिप्ट व नेपाल में भी पार्टिसिपेट किया है। इस प्रकार सर नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर काफी प्रसिद्ध हैं और सर ने अनेक आर्टिकल्स विभिन्न नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित किए हैं। सर के सुपरविजन में लगभग 9 स्टूडेंट्स ने रोग निदान विषय में पीएचडी की है, साथ ही 6 स्टूडेंट को सर ने सर को गाइड के रूप में उनका सुपरविजन किया है। सर ने एमडी के साथ साथ पीएचडी के लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड किया और उनके गाइडेंस में एक पीएचडी रोग निदान हो चुकी है। सर ने आयुर्वेदीय विषयों पर जन जागरूकता फैलाने हेतु अनेक रेडियो टॉक भी प्रसारित किए हैं। सर को VDS अवार्ड भी दिया गया है 2016 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोसाइटी द्वारा। ऐसे मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी का चेयरमैन के रूप में हम अपने रोग निदान परिषद में स्वागत करते हैं। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे वोट ऑफ थैंक्स के लिए आभार व्यक्ति के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर नीलम गुप्ता मैडम जो टीबिया आयुर्वेदिक कॉलेज नई दिल्ली में एक लेक्चरर के रूप में पदस्थ हैं और काफी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, इसलिए मैडम का भी मैं इस परिषद में स्वागत करती हूँ। साथ ही प्रशांत जी का भी मैं स्वागत करती हूँ और साथ ही कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए सारे लोगों को अपने चेयरमैन साहब से एक औपचारिक अनुमति चाहती हूँ। सर सर प्लीज सर अनम्यूट करिए। सर हाँ मैडम, आपने जो परिचय दिया उसके लिए धन्यवाद और
ये प्रोग्राम निश्चित ही एक अच्छा प्रोग्राम है और प्रारंभ की अनुमति। हाँ जी मैडम बिल्कुल, आवाज आवाज आ रही है मैडम, कैन यू हियर मी मैडम? जी आ रही है सर। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम जरूर। यस सर, यस सर, डेफिनेटली मैडम, थैंक यू जी। प्रशांत सर। यस मैम, अभी शुरू करता हूँ। श्री धन्वंतरि स्तोत्रम् ओम शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालां भोदोज्ज्वलांगं कटितटविलसत्ताम्बराढ्यं वंदे धन्वंतरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रशांत सर आवाज नहीं आ रही है। प्रशांत सर अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मैम शुरू कर दीजिए, एक्चुअली वो वीडियो पॉज हो रहा है बीच बीच में। ओके ठीक है, ठीक है। मैं हमारे आज के स्पीकर महोदय से निवेदन करती हूँ कि वो अपना टॉपिक यूज ऑफ आयुर्वेदीय प्रकृति परीक्षा इन प्रेजेंट एरा पर स्पीच जो है वो सॉरी थोड़ा सा आज डिस्टरबेंस हो रहा है, शायद उनके यहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आप स्टार्ट करिए। अजय की नमस्कार। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद लोक निदान परिषद के माध्यम से, और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैडम आपको कि आपने मुझे प्रेरित किया जोड़ने के लिए और लेक्चर के लिए। रोग निदान परिषद बहुत अच्छा काम कर रही है, अध्यक्ष महोदय डॉक्टर पवन जी और सचिव महोदय डॉक्टर बासवे सर से पुराना परिचय है, और बड़ा अच्छा लगता है कि हम इस माध्यम से जो एकेडमी है उसका सही मायने में हम लोगों तक जानकारी या उसका फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंगल लेक्चर सीरीज न केवल टीचर के लिए बल्कि स्टूडेंट के लिए भी एक माइलस्टोन का काम करेगा, क्योंकि बदलते परिवेश के हिसाब से हमें हर टॉपिक पे नए व्यू रखना जरूरी है। मैं आपको आज के विषय के बारे में माननीय चेयरपर्सन डॉक्टर शर्मा सर को अनुमति के साथ
मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि वैश्विक महामारी कोरोना काल हम सबकी जिंदगी का एक ऐसा काल बन गया जिसे ना चाहते वो भी स्वीकार करना हमारी मजबूरी है। इस समय अनिश्चितता की स्थिति में हमें यह लगता है कि हम सभी चिंतित हैं। हर वर्ग, चाहे वो चिकित्सक हो चाहे आम आदमी हो, चाहे हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में चिंतित हों या अपने प्रियजनों या परिचितों के लिए भी, हम सब परेशान हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह संसार निरंतर चलने वाला है, इसलिए विगत की दुखद स्मृतियों को भुलाकर भविष्य की ओर और वर्तमान की बात करनी चाहिए। कोरोना वायरस के प्रकोप से पहले ऐसी कितनी चीजें थी जिन्हें हमने उचित महत्व नहीं दिया था। अब जरूरी है हम अपने प्रियजनों की सहायता कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर विचार करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को सबने पूरे विश्वास के साथ अपनाया। यहाँ तक कि शोध यह बताते हैं कि जिन्होंने गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, त्रिकटु, आरोग्य कषायम का प्रयोग किया, उन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हुई है। या तो वे कोरोना संक्रमित होने से बच गए, अथवा जिन्हें कोरोना हुआ भी तो वे इससे शीघ्र मुक्त होकर वापस अपने जीवन में शामिल हो गए। वर्तमान परिप्रेक्ष में यह सभी तथ्य बताते हैं कि बीमार होने के बजाय ऐसा कुछ किया जाए कि हम सब स्वस्थ बने रहें। आयुर्वेद का तो पहला उद्देश्य ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। निश्चय ही इसके लिए व्यक्ति की प्रकृति परीक्षा पहला कदम होगा, ऐसा मुझे लगा। और इसी विचार ने आपके समक्ष कुछ विचार रखने की प्रेरणा दी। जैसा कि मैडम से मेरी चर्चा हुई थी कि मैं प्रकृति परीक्षण के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, और मैंने गूगल पर और जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए उन पर भी पढ़ा और अपने विचार जो उसमें जोड़े कि अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकें कि उनकी अपनी प्रकृति का उन्हें ज्ञान हो और वो जो है उसके और अपना खान पान रखें तो वो बीमार होने से बच सकते हैं। इसी मूल अवधारणा को लेकर के मैंने एक पेपर तैयार किया है और वो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। आज की ये महती आवश्यकता है कि हम आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है, उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने यूज ऑफ आयुर्वेदी प्रकृति परीक्षा इन प्रेजेंट एरा। अभी तक प्रकृति परीक्षा को हम रोगी के संदर्भ में देखते थे, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम स्वस्थ व्यक्ति की भी प्रकृति परीक्षा करें और उसके लिए गाइडलाइन दे पाए कि आप क्या खाएं और कैसे रहें, तो हम लोगों के स्वास्थ्य रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता भी है कि आम आदमी आयुर्वेद से उन बातों को समझे। बस संस्कृत या गूढ़ अर्थों के चक्कर में लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते, तो हम ये चाहते हैं कि ये जानकारी पहुंचे। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है रोग निदान परिषद का, और जो हमारे साथी हैं जो बड़े बड़े पदों पर भी बैठे हुए हैं, कुछ ऐसी योजना भी बनाए कि हम न केवल बीमार आदमी की बल्कि स्वस्थ व्यक्ति की भी प्रकृति परीक्षा करके, जैसे आज हम एक CBC करके जांच बताते हैं किसका व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कितना है और उससे किस चीज की आवश्यकता है, तो ठीक इसी प्रकार हम प्रकृति परीक्षा करके उसको एक कार्ड इशू करें कि भाई आपको, आपकी प्रकृति ये है, आपको ये खान पान अपनाना चाहिए और ये अपनाना नहीं चाहिए। तो हमने मैडम से चर्चा की थी, आराधना मैडम से, कि मैं कुछ ऐसी बात कहना चाह रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ अपने मैटर में, जो आने वाले अपने विद्यार्थियों के भी काम आए। हमारे टीचर के लिए वास्तव में एक पेपर नहीं है, टीचर तो सभी जाने हैं, पर इसमें जो पढ़ेंगे या सुनेंगे इस वीडियो को तो उन्हें काम आ सके। और वो चिकित्सक भी जो चिकित्सालय में बैठ करके लोगों की परीक्षा करते हैं, और सिंपल नाड़ी परीक्षा के नाम पे हम सैद्धांतिक बात करते हैं और उसके आगे कुछ नहीं करते। तो इंट्रोडक्शन में ये मैंने इकट्ठा किया जो मैटर वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। द टर्म प्रकृति इज ड्राइव फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड प्रा एंड क्री, मीन्स फर्स्ट, एंड द क्रा मीन्स क्रिएशन। जो सबसे पहले पैदा होता है, सबसे पहले बनता है, वो प्रकृति कहलाती है। जन्म से लेकर के जो जन्म के समय प्रकृति निर्धारित होती है, वो पूरे जीवन हमारे साथ रहती है। तो प्रकृति इस टर्म एज द फर्स्ट क्रिएशन, द टर्म प्रकृति आल्सो मीन नेचर और स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एंड इट्स नेचुरल फॉर्म। सामान्य भाषा में हम कहते हैं उस व्यक्ति की ये प्रकृति है,
वो उसका टेम्परामेंट कम है, वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, या वो उसको ये बीमारी हो जाती है, तो हम जनरल वे में उसकी प्रकृति को इस तरह से परिभाषित करते हैं कि उसका नेचर ऐसा है, उसकी आइडेंटिटी ऐसी है या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो आयुर्वेद इसके लिए हमें जो मैसेज देता है कि आयुर्वेद कंसिडर पंच महाभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी टू बी द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ फिजिकल यूनिवर्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो पंच महाभूत है हमारे शरीर में, ये पंच महाभूत मौजूद है। दीज महाभूत मैनिफेस्ट इन टू त्रिदोषा बात पित्त एंड कफ, दो ऑल द थ्री दोष एग्जिस्ट इन एवरी ह्यूमन बींग, वन इज डोमिनेंट बेस्ड ऑन विच इन इंडिविजुअल प्रकृति इज डिटरमाइंड, प्रकृति आर डिस्क्रीट फिनोटाइप एंड दे आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिक फिजिकल साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट एंड आर इंडिपेंडेंट सोशल एथनिक एंड जियोग्राफिकल वेरिएबल। यानी हम ये कह सकते हैं कोई पेशेंट हमसे बात करता है कि हम ये प्रकृति परीक्षण क्यों करवाएं, तो वो प्रकृति जो जन्म से उसको मिली हुई है वो हमारी मानसिक बौद्धिक शारीरिक को हमारे व्यवहार में दिखाई देती है, तो हमें उसको प्रेरित करना है कि हमारी प्रकृति के बारे में वो क्यों जाने। प्रकृति ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन जेनेटिक एंड एक्वायर्ड फैक्टर, जैसे हम कहते हैं कि हमारे जीवन पर जेनेटिक असर तो है ही पर वातावरण का असर भी पड़ता है। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन डिपेंड अपॉन शुक्र स्पर्म एंड सोनेट ओवम, वाइल एक्वायर्ड कंस्टिट्यूशन डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक एज रेस हेरिडिटी क्लिनिकल सीजन एंड रीजन। प्रकृति इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा दैट एक्सप्लेन इंडिविजुअलिटी, इट एक्सप्रेस यूनिक ट्रेट और इंडिविजुअल दैट इज डिफाइंड बाय स्पेसिफिक एंड परमानेंट कंपोजिशन ऑफ दोस राइट फ्रॉम बर्थ। ये हम समझ सकते हैं या अपने स्टूडेंट को समझा सकते हैं कि अगर हम आयुर्वेदिक चिकित्सा करने जा रहे हैं तो उसमें रोगी की प्रकृति परीक्षण बहुत आवश्यक है, या व्यक्ति की प्रकृति परीक्षण आवश्यक है, क्योंकि उसके दोष जो एक दोष जो प्रधान है वो जन्मजात है। प्रकृति मेक्स एवरी पर्सन यूनिक, देयरफॉर नो टू पर्सन कैन बी एग्जैक्ट आइडेंटिकल, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन डिपेंडिंग ऑन हिज आर प्रकृति। प्रकृति रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ईच इंडिविजुअल थ्रू आउट हिज हर लाइफ टाइम। ये बात समझने की और समझाने की है कि दो व्यक्ति भले वो जुड़वा ही क्यों ना हो पर वो एक जैसी प्रकृति उनकी नहीं हो सकती, तो जन्म के समय जो दोष प्रधान रूप से रहेगा उस व्यक्ति की प्रकृति वैसी बनेगी, तो उसकी शरीर की रचना, उसकी क्रिया और उसकी मानसिक अवस्था को वो बताता और वो पूरे जीवन उसको वो चलती रहती। प्रकृति फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई पूछता है हमसे कि भाई एक व्यक्ति की प्रकृति अलग से कैसे बनेगी, तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति टेक प्लेस बाय द कंडीशन ऑफ त्रिदोष एट द टाइम ऑफ यूनियन ऑफ शुक्र एंड सोनेट इन द गर्भाशय। मां के गर्भ में जब शुक्र सोनेट का संयोग होता है उसी समय जो दोष प्रधान होते हैं उससे उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। प्री डोमिनेंस ऑफ एनी वन एंड ऑल थ्री दोषा बॉडी ह्यूमर बात पित्त एंड कफा डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्यूचर चाइल्ड इज एक दोष है प्रकृति, द्वे दोष है और सन्निपात है, या त्रिदोष सम्मिश्र जिसको कहा गया, सात तरह की प्रकृति का निर्धारण होता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं या समझा सकते हैं कि जो प्रकृति आज हमें दिखाई दे रही है वो जन्मजात है और माँ के गर्भ में ही बच्चे की प्रकृति का निर्धारण हो जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर जो है प्रकृति को निर्धारित करते हैं, अक्सर एक प्रश्न पूछने में आता है, बच्चे हमारी क्लास में सवाल करते हैं तो हम उन्हें समझा सकते हैं बता सकते हैं, तो उसका जो मैटर हमें इकट्ठा हुआ है मिला तो हमने उसको कंप्राइज किया है कि गर्भकालज भाव एंटीनेटल हैं और जाति प्रसारक भाव जो है ये अलग है। तो ये जो शुक्र सोनेट प्रकृति है ये करेक्टरिस्टिक है पर्टिकुलर, ये जेनेटिक निर्धारण करेंगे, और काल गर्भाशय प्रकृति जो गर्भ के समय गर्भाशय में जो प्रकृति बन रही है जो दोष है, और मात्र आहार विहार प्रकृति माता के आहार विहार का भी असर पड़ता है। आयुर्वेद इस बात को बड़े जोर से कहता है, ये कहता है कि माँ जो आहार का सेवन करती है उस आहार का उस बच्चे की प्रकृति पर या उस बच्चे के विकास पर पूरा प्रभाव पड़ता है। यदि ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दोहरद की अवस्था में यदि माँ उन दोहरदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो बच्चे में विकलांगता पैदा हो जाती है। तो आज हम देखते हैं कि माँ गर्भावस्था में किस तरह का आहार किस तरह का विहार कर रही है
तो बच्चे की प्रकृति का निर्धारण या बच्चे की प्रकृति में या बच्चे के विकास में उसका असर पड़ रहा है। और महाभौतिक प्रकृति होती है वो उसमें जो पांच महाभूत हैं उनका समावेश होता है। और इसमें जाति प्रसक्ता भाव में कास्ट है, रेशियल इफेक्ट है, काल प्रसक्ता में फैमिलियल है। ये जो हमारे जीवन पर या किसी व्यक्ति की प्रकृति में इन चीजों का महत्व है कि किन किन भावों से रोगी की व्यक्ति की प्रकृति प्रभावित होती है। काल प्रसक्ता भाव है, देश अनुपत्ति अनुपातनी प्रकृति है, काल अनुपातनी प्रकृति है, वायु अनुपातनी प्रकृति है, प्रत्यात्म मान्यता प्रकृति है, सेल्फ या इडियोसिंक्रेसी। तो आज हमारे पास जो व्यक्ति आता है उसकी प्रकृति का हम परीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो प्रकृति जन्मजात कौन सा भाव है और उसके बाद में क्या डेवलप हुआ। अब ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति। अक्सर लोग इसमें तो हम चिकित्सक लोग इंटरेस्ट लेते हैं, इसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं, मानस प्रकृति में हम कम इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि इसका तो सीधा सीधा संबंध हमारी चिकित्सा से जुड़ा हुआ है कि हमें एक दोष का निर्धारण करना है या द्विदोष का निर्धारण करना है या त्रिदोष का करना है। तो व्यक्ति की जो प्रकृति होगी स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति उन व्याधियों के लिए उन दोषों के प्रकोप के लिए जिम्मेदार होगा और वो वैसा आहार व्यवहार करता है तो जल्दी उन बीमारियों से ग्रसित हो जाए। पर साइकोलॉजिकल आज के समय में जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि कोरोना काल में सब सारे लोग जिनके सामने कोई लक्ष्य नहीं था कि हम कैसे इससे बचें तो मानसिक परेशानियां आज हमें देखने को मिल रही हैं कि कितने सारे लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। तो अगर हमें किसी व्यक्ति की मानसिक प्रकृति का अनुमान है तो हम उसको मानसिक परेशानी या बड़ी बीमारी होने से उसको बचा सकते। अब सिंपल सी बात अक्सर पूछी जाती है, बच्चे पूछते हैं, क्रॉस करते हैं कि हम कैसे अनुमान कर रहे हैं कि व्यक्ति की प्रकृति की परीक्षा करें। तो ये जो है ना जो एक एक प्रकृति के हिसाब से उनके जो गुण हैं उन गुणों से रिलेटेड लक्षण हमें दिखाई देते हैं जिसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि वो व्यक्ति बात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है या कफ प्रकृति का। देखें आप रुक्ष, लघु, चल, बहु, शीघ्र, शीघ्र, परुष और विशद, ये जो बात के गुण हैं इनसे जुड़े हुए लक्षण हमें रोगी में दिखाई देते हैं। जब हम रोगी व्यक्ति का फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो इन तथ्यों को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे बात के लिए रुक्षता है तो ये चीजें उसको अपन को देखने को मिलेंगी, ये हम बच्चों को बता सकते हैं या पेशेंट का एग्जामिनेशन करते समय इनका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह पित्त प्रकृति का है तो उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रव है, विष है, अम्ल और कटु, ये तरह के जो भाव हैं ये अपन पेशेंट में देख सकते हैं और ये बच्चों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कि आपको इजी गोइंग कैसे आप सीखोगे कि हम प्रकृति परीक्षा करें पित्त प्रकृति के लिए। इसी तरह कफ प्रकृति के लिए भी बताया स्निग्ध, प्रेक्षण, मृदु, मधुर, सार, सांद्र, मंद, गुरु, स्थिमित, शीत, विज्जल, अच्छ, इनके लक्षण हमें ऑर्गन में या उसकी बॉडी में दिखेंगे। इनके आधार पर हम बात पित्त कफ प्रकृति का अनुमान करेंगे। और एक और जो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि हम क्यों करें प्रकृति परीक्षण, तो आज जिसकी सबसे आवश्यकता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हर व्यक्ति या WHO इस बात को कह रहा है कि बीमार होने के बाद हम अच्छा होने के लिए ज्यादा परेशान, लेकिन अगर हम बीमार ही ना पड़े स्वस्थ बने रहें तो हम ज्यादा सुखी रह सकते हैं। तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए हम प्रकृति को प्रमोट कर सकते हैं। तो आयुर्वेद इंकरेज ए पर्सन टू टेक फूड इंडल्ज इन दोज एक्टिविटी और अपोजिट इज हर प्रकृति टू लाइव हेल्दी लाइफ स्टाइल। The rejuvenative therapies like rasayan, bajikaran benefit must when they are administered according to one's prakriti. अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति हमें मालूम है तो वो क्या खाना खाए और कैसे रहे तो वो उसका स्वास्थ्य बना रह सकता, बीमार नहीं पड़ेगा। यानी आज की तारीख में जो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर या रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं तो हम प्रकृति से इसको जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज अग्नि स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। आचार्य चरक हैज मेंशन्ड फोर टाइप ऑफ अग्नि, डाइजेस्टिव फायर एंड वंश प्रकृति। तो अग्नि का आयुर्वेद चिकित्सा में सबसे ज्यादा महत्व है। हमें अपने स्टूडेंट्स को या अपने चिकित्सकों को यह मोटिवेट है इस बात के लिए कि आयुर्वेद में सबसे बड़ी बात है कि रोगोत्पत्ति में मंदाग्नि का सबसे बड़ा रोल होता है। दोषानुसार बात की विषम अग्नि है, पित्त की तीक्ष्ण अग्नि, कफ की मंदाग्नि है और तीनों दोषों की समान अवस्था की समाग्नि। तो समाग्नि अवस्था बनी रहे
तो हमारे जो औषधि है या आहार है उसका सही पाचन हुआ, सही उपयोग हो सकेगा। तो अग्नि का ज्ञान करने के लिए भी हमें इसका महत्व है कि प्रकृति परीक्षा में अग्नि के बारे में हम निर्धारण कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकृति का है तो उसकी अग्नि कैसी होगी स्वाभाविक रूप से। डिटर्मिनेशन ऑफ द बल, आज बल के बारे में बात की जाती है तो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कैन बी डिसाइड बाय द टाइप ऑफ प्रकृति, कैसा बल है उसका, बलवान कैसा है, कितनी शक्ति है, इसके बारे में भी प्रकृति का उपयोग किया जा सकता है। सस्सेप्टिबिलिटी ऑफ डिसीज एंड प्रिडिक्टिव मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में कि किन रोगों के प्रति वो सस्सेप्टिबल है। अक्सर ये कहा जाता है कि हमें माँ बाप से विरासत में सिर्फ जायदाद ही नहीं मिलती, बीमारियां भी मिलती हैं। तो उन बीमारियों के प्रति कोई व्यक्ति सस्सेप्टिबल है तो हम उसकी प्रकृति के आधार पर उसको सलाह दे सकते हैं कि आपको नेचुरली ये रोग होना संभावित है। अगर आप अपने खान पान में इन दोषों से बचेंगे तो आपको ये व्याधियां नहीं हो पाएंगे, बचाव हो सकेगा। इसके बाद डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, रोग के निर्धारण के लिए प्रकृति परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य चरक ने दसवीं परीक्षा का वर्णन किया है, उसमें प्रकृति को नंबर एक पर रखा है। किसी व्यक्ति की प्रकृति की परीक्षा करने के बाद ही हम उसकी विकृति का अनुमान लगा सकते हैं। प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज, इफ द कॉजिटिव डोज ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द प्रकृति ऑफ द डिसीज पर्सन, द डिसीज बिकम कच्छसाध, डिफिकल्ट टू क्योर। सिमिलरली इफ द बाइटेटेड डोज इज डिफरेंट फ्रॉम वन, प्रकृति इज वेरी इजी टू ट्रीट। तो ये अगर हम किसी रोग का उपचार कर रहे हैं तो अगर हमें प्रकृति का ज्ञान है तो रोगी की प्रकृति और रोग की प्रकृति को हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, तो उस व्यक्ति का जो प्रोग्नोसिस है, रोग के अच्छे होने की संभावना है, उसके बारे में भी हम निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मेरी दृष्टि में मैंने विचार किया, प्रिवेंटिव मेडिसिन। ये प्रकृति परीक्षा से हम प्रिवेंटिव मेडिसिन के एस्पेक्ट से हम बहुत सारा लोगों की मदद कर सकते हैं। इन आयुर्वेदा दिनचर्या ऋतुचर्या हैव बीन एडवाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रकृति, क्योंकि ये चीज बड़ी छोटी सी है लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि दिन के हिसाब से, रात्रि के हिसाब से और भोजन करते समय दोषों का प्रकोप होता है। तो हमें रोगी व्यक्ति को या उसकी प्रकृति के अनुसार ये आहार व्यवस्था करनी चाहिए कि वो जो है क्या खाएगा तो उसको बीमारी नहीं हो पाएगी। प्रिवेंशन के एस्पेक्ट से तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो एक कोरोना एक एग्जाम्पल बन के आया, पर अगर हम देखें तो और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन बीमारियों को होने से बचाया जा सकता है। जैसा कि WHO कहता है कि दो तरह के रोग हैं, कि संक्रामक रोग हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं। तो आयुर्वेद संक्रामक रोगों के लिए भले बहुत ज्यादा हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए आयुर्वेद सबसे अच्छा विकल्प संसार के सामने रख सकता है और रख भी रहा है। तो आने वाले समय में हमें बहुत उम्मीद भी है कि हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को, मतलब आधे से अधिक व्याधियों को रोक पाने में सक्षम हो सकेंगे, बशर्ते कि हम सारे लोग एक मत होकर के एक ऐसा, जैसे रोग निदान परिषद ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है तो हर रोग के बारे में हम एक प्रोटोकॉल फिक्स कर सकें। पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न पैथोलॉजी एक अलग चीज है, आयुर्वेदिक विकृति विज्ञान में हम दोषों के आधार पर भी व्याधि की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो कुछ कॉमन लाइफ स्टाइल या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो प्रकृति के हिसाब से मोस्ट प्रोन है, सबसे ज्यादा है। अगर हमें ये प्रकृति मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को ये वाली बीमारियां हो सकती हैं। तो जैसे कफ और बात प्रकृति का व्यक्ति है तो प्रॉन है वो धमनी प्रतिचय या जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कह रहे हैं। तो कार्डियक प्रॉब्लम के लिए एथेरोस्क्लेरोसिस कॉमन है, उसको हम आयुर्वेद में धमनी प्रतिचय कह सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल फैट जमा हो रहा है कोरोनरी आर्टरी में, तो जो कफ और बात प्रकृति का व्यक्ति है वो प्रॉन है काहे के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस या धमनी प्रतिचय के लिए। इसी प्रकार कब बात का एक स्मृति भ्रंश, आजकल अल्जीमर डिसीज देखने को ज्यादा मिल रही है, तो हमें जो भूलने की बीमारी है, डिमेंशिया है, अल्जीमर है, तो उसके लिए भी ये प्रॉन होते हैं। कफ प्रकृति का दूसरा ग्रंथि या अर्बुद जिसमें बहुत सारे कैंसर हैं, तो जो कफज प्रकृति का व्यक्ति है वो कैंसर के लिए प्रॉन है। बहुत सारी गठान है उसको बन सकती, वो बिनाइन हो सकती, मैलिग्नेंट हो सकती है। तो अगर हमें कफ प्रकृति का व्यक्ति मिलता है तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई आपको ये प्रॉन डिसीज है। इसी तरह कफज में श्वास रोग कॉमन है, बात और पित्त में कामला या लिवर सिरोसिस या लिवर डिसऑर्डर कॉमन है, कफ और बात में प्रमेह स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज कॉमन है, कफ वाले रोग में श्वास रोग क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी सीओपीडी कॉमन है,
कफ और पित्त में हृदय रोग हार्ट डिसीज कॉमन है। इसी प्रकार कफ और पित्त वाले में अग्निमांद अम्ल पित्त अरुचि के रोग ज्यादा होते हैं, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह सकते हैं। बात और कफ प्रकृति के रोग हैं, उन्हें मूत्र रोग कॉमन होते हैं। बात और पित्त वाले ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियां कमजोर होने लगी हैं, उनके रोग ही ज्यादा हैं। कफज में स्थौल आज के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी हमें देखने को मिल रही है, ओबेसिटी जो सारी बीमारियों की जड़ है। इसी तरह बात और पित्त में अवसाद या डिप्रेशन में जाने वाली परेशानियां ज्यादा आती। तो अगर हमें ये प्रकृति के रोगी मिलते हैं तो वो लोग इन बीमारियों के प्रति ज्यादा सस्केप्टिबल हैं, ज्यादा प्रोन हैं। तो हम उन लोगों को समय रहते सचेत कर सकते हैं कि वो इन बीमारी से बच सकते हैं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने आहार में अपने विहार में थोड़ा सा संशोधन कर ले। एक सिंपल सा ये पेपर हमने कलेक्ट किया था, तो आपके समक्ष रख रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इसको प्रोपेगेट करें, हर हॉस्पिटल में ये रखा जाए कि हम प्रकृति परीक्षण के लिए ढूंढते हैं बहुत सारी बातें, मरीज हमें बता पाता है नहीं बता पाता है। कई सारे पेशेंट हैं जो अपनी बात ढंग से नहीं रख पाते हैं, लेकिन हमें उनसे पूछना पड़ता है। तो इंटरवेंशन इज द बेस ऑफ डायग्नोसिस, हम मरीज से पूछते हैं। तो हमें हमारे बच्चों को सिखाना है, स्टूडेंट को सिखाना है कि कैसे हम उसको प्रकृति को परीक्षण करें। तो सिर्फ क्वेश्चनरी, एक क्वेश्चनरी बनाई गई है, अब उसको टिक लगाएंगे तो एनाटॉमिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेस पर बनाया गया। तो ये उपयोग इनको किया जा सकता है कि इनकी एक्टिविटी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि क्या हम उसी प्रकृति परीक्षण करें। तो ये वाला जो मुझे लगा अच्छा, तो आपके समक्ष लाया कि आप भी जहाँ जो भी जिस लेवल पर काम कर सकता है कि अगर हम इस फॉर्मुलेशन को या इस पत्र को छपवा के हर पेशेंट का प्रकृति परीक्षण हो। हमारे हॉस्पिटल में इंटर्न बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, इंटर्न तो और उच्च हो गए, सेकेंड ईयर के बच्चों से कहें हम जैसे हम केस चेकिंग करवाते हैं तो हमें प्रकृति परीक्षण का 10-10 एक बच्चों को भरना है प्रोफार्मा, और वो ये सीख जाएगा आने वाले समय में कि किस तरह से हमें सवाल पूछना है और किस तरह से वो प्रकृति का परीक्षण कर सकता है। तो ये प्रोफार्मा मुझे बहुत उपयोगी लगा, हालांकि मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है, मैं पहले आपसे निवेदन कर चुका हूँ, ये हमारे आगे चलने वाले लोगों ने जो खोजा, हमने सिर्फ जरूरत के मुताबिक उसको एक जगह ला के रख दिया, और इस उम्मीद के साथ कि हम अपने स्टूडेंट के पढ़ाते समय उनको प्रोजेक्ट दें कि हम 10-10 एक बच्चों को प्रकृति परीक्षण के चार्ट भरने, तो उससे वो सीखेंगे और हमारे पास एक डाटा कलेक्ट होगा जिसके आधार पर हम ये कह पाएंगे कि प्रकृति कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं। तो अंत में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रकृति एंड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर आर क्लोजली कोरिलेटेड, मतलब मेरा अंतिम जो इसका पीछे लॉजिक था कि ये जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं ये क्लोजली रिलेटेड हैं प्रकृति के साथ। तो विद ईच टू अदर लाइफ स्टाइल मैनेज एज पर टाइप ऑफ प्रकृति विल हैव सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर। तो अगर हम संक्रामक रोगों के बारे में थोड़ा पीछे हैं पर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के बारे में आयुर्वेद आगे है, और निश्चित रूप से आने वाला समय आयुर्वेद का है और वो हमें मदद देगा। तो प्रकृति परीक्षण उसके अनुसार हमारा लाइफ स्टाइल को हम डिसाइड करेंगे, उसमें मदद मिलेगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ, ये जो मैंने सोर्स रेफरेंस के लिए इकट्ठे किए थे, सबसे पहले पवन जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका एक पेपर था, उनका ये पेपर उसके मैंने रेफरेंस लिया है, मेरा अपना कुछ नहीं है, इस सबको इकट्ठा करके आपके समक्ष रखा है। आपने मुझे सुना और अब क्या होगा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं आप सबसे इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी इच्छा है कि हर बैच में सेकेंड ईयर के हर बच्चे को 10 प्रकृति परीक्षण के प्रोफार्मा भराने हैं, तो हम सोचेंगे कि आने वाले समय में हम उसको कंपाइल कर बहुत सारे जो ये डिसऑर्डर हैं उनके बारे में निर्धारण कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आराधना मैडम, आपको एक बार पुनः धन्यवाद कि आपने मुझे प्रेरित किया कि मैं आप सबके बीच आ सकूँ। अतुल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत पुराना आपसे परिचय है, पर सिर्फ फोन पे और व्हाट्सएप फेसबुक पे आपसे जुड़ा रहा, जब आप उज्जैन आए थे तब आप मिला था, इसके बाद आपसे मुलाकात बहुत कम हो पाई है। पवन सर बहुत बहुत प्रणाम, पवन सर से तो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपका उद्बोधन सुन के, मजा आया सर।
अरे तो एकदम दिल के पास का विषय। स्वागत है हमारे रोग निदान परिषद में। अजय कीर्ति सर, अजय बधाई हो आपको, बहुत अच्छे से प्रस्तुति किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। रोग निदान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार गोटेटवार सर का सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अरे शुरू से ही हुए हैं आज। सर को नमस्कार। आराधना जी आपका ध्यान देना। ओपीडी से ही पर जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू। मुखिया मुखिया लोग रहते हैं तो फिर आनंद आ जाता है। उद्बोधन के लिए आमंत्रित कीजिए ना सुरेंद्र जी को। त्यागी सर है, कार सर है, पवन सर है, सर है, शर्मा सर है, ये सब रहने से तो आनंद आ जाता है। तो आज का इस विषय पर यदि कोई विशेषज्ञ एड ऑन करना चाहते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है। और प्रश्नोत्तरी जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे रखेंगे, तो उसमें जो है वो आपको आपके आंसर दे दिए जाएंगे। इसमें कोई भी विशेषज्ञ यदि अपना मत एड ऑन करना चाहते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है। व्याटगी सर, हाँ, प्रकृति परीक्षा के बारे में बहुत सारे जो स्टडीज हो चुका है तो बहुत सारे लोगों ने अपना क्वेश्चनियर भी बना दिया है। आयुष के लेवल पे भी बहुत सारे चीजें उसमें स्टडी हो रही है, तो फिर भी अजय कीर्ति जैन सर ने कुछ अपना प्रयास किया। फिर हम लोग को ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, जैसे सारंगधर संहिता में बहुत शॉर्ट एंड स्वीट जो प्रकृति के मतलब एनालिसिस करने के लिए जो बताया गया है, तो ओपीडी लेवल के बेसिस के लिए एक अलग से एक मतलब शॉर्ट एंड स्वीट स्मार्ट वाला जो बना के रख ले, ताकि स्टूडेंट्स को भी एक उसको करने में आसान हो और एक डिटेल रिसर्च फार्मा के तौर पर उसको बना रख ले, तो दोनों को अलग अलग थोड़ा सा एक एक शॉर्ट और एक लॉन्गर वर्शन वाला दो रख ले। उसमें जो तीन कैटेगरी आती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, का तीनों अलग अलग जो बातें आती है, तो वो उस हिसाब से फिर वो अलग से क्राइटेरिया करके मेरे को सबसे मेरा सबसे अच्छा ये लगता है कि जो चरक के अनुसार जो कफ का 10 गुण बताया आपने, का 6 गुण और वात का जो गुण के आधार पर जो प्रकृति का वर्णन किया है, यदि हम लोग अजय उसको याद रखें, जो गुण को याद रखें, गुण के आधार पर हम लोग लक्षण को याद रखें, तो मेरा ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा, सो दैट द स्टूडेंट कैन ईजिली रिमेम्बर दैट उसके लक्षण के आधार पर उसकी जो ईट दोषों का ये बताया गया है, तो उसके आधार पर उसको याद रखेंगे तो प्रकृति को समझने में और प्रकृति को एक्सप्लेन करने में और वो करने में थोड़ा सा मदद मिलेगा। तो कुछ ग्रंथों में जैसा कि सुश्रुत में जो स्वप्न के बारे में जो स्पेसिफिकली बताया गया कि कप प्रकृति वालों को जो हमेशा जलाशय भरा हुआ मिलेगा, वातज वाले में सूखा हुआ मिलेगा, तो वो इस तरह का थोड़ा सा स्वप्न के बारे में भी थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन है आयुर्वेदिक टेक्स्ट में, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। प्रायः बहुत सारे मरीजों में ये स्वप्न के आधार पर भी हम लोग इसको वो कर सकते हैं। अब दूसरी रिपीटेड जो बीमारियां जो होती हैं, जैसा वो इट इज वेरी कॉमन इन वातज प्रकृति वाले में, बट दैट नॉट द केस इन केस ऑफ कफ प्रकृति वाले में। बट ये भी ऐसे स्टडीज हुआ है कि कफ प्रकृति वाले ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा उनका वो हो पाता है, क्योंकि किसी चीज करने पहले कफ प्रकृति वालों का जो टेंडेंट है बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा सोचते कुछ को काम करने से पहले, बट दैट इज नॉट द केस विद द वात प्रकृति पीपल। तो वात प्रकृति वाले इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। ऑन द कंट्री कफ प्रकृति पीपल विल टेक मोर स्ट्रेसफुल पर्सन दैन द वात प्रकृति पर्सन, क्योंकि वो कोई भी चीज करने से पहले कुछ सोचते ही है। आफ्टर इफेक्ट में भी समथिंग डिफरेंट, बट कब प्रकृति वाले नहीं सोचते इसको करेंगे तो क्या होगा, इसके मतलब बहुत सारे जो वो वाला होती है, तो वो करते हैं उस तरह का भी स्टडीज सामने आ रही है। तो ओवरऑल आई कंग्रेचुलेट अजय कीर्ति सर फॉर इंसाइटिंग इन इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रकृति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू प्रकृति में और एड ऑन करने के लिए। और धन्यवाद डॉक्टर अजय कीर्ति जैन, आपका लेक्चर जो है वो बहुत ही उपयोगी है। निश्चित रूप से
रोगी के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति के भी प्रकृति परीक्षण से हमको रोग होने वाले रोग का प्रेडिक्शन जो है वो हम कर सकते हैं, साधता का भी ज्ञान कर सकते हैं। आपने विशेष रूप से प्रकृति के भेद, उसके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में विस्तार से बताया, प्रकृति के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि हम कैसे एक प्रोफार्मा बना करके एक स्वस्थ और रोगी व्यक्ति का प्रकृति परीक्षण कर सकते हैं। तो इससे हमारे स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण से न केवल हम व्यक्तिक रूप से, सामाजिक रूप से, राज्य के रूप में और राष्ट्रीय रूप से हमारा जो मेडिकली जो इकोनॉमिक बर्डन हमारे देश पर पड़ता है उस बर्डन को हम निश्चित रूप से जो है वो कम कर सकते हैं। और मैं अपने चेयरपर्सन आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सर से आग्रह करती हूँ कि वो अपने एक्सपर्ट कमेंट्स जो हैं वो प्रकृति परीक्षण पर जो वक्तव्य हुआ है उस पर देने की मति कृपा करें। सर माइक ऑन कर लीजिए सर प्लीज। सॉरी मैडम, कैन यू हियर मी मैडम? नाउ कैन यू हियर मी नाउ? यस यस सर, यस सर। रेस्पेक्टेड पवन सर, President of Rog Nidan Academy, Dr. Atul Vashne ji, Secretary of Rog Nidan Academy, Dr. Aradhana ji, Coordinator, Dr. Prashant ji, and Dr. Vyadgi ji. सर साउंड नहीं आ रहा सर आपका। थोड़ा सा नहीं आ रही सर। हाँ अब आ रहा नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है सर का। निशांत जी आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ अनम्यूट किया हुआ है सर। सर अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रहा है। सर अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। सर अनम्यूट करिए, आप कर दीजिए। प्रशांत जी। हाँ जी सर, आप अनम्यूट कर दीजिए सर को प्लीज। अनम्यूट ही है। नहीं अनम्यूट नहीं है सर। नहीं, नहीं, हाँ, अभी जी सर, जस्ट सर अभी अनम्यूट हो गया। फिर से म्यूट हो गया। फिर से म्यूट सर, आपका माइक अनम्यूट करिए सर। हाँ, जी हाँ, अब बराबर बराबर। हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ अब आ रही मैडम आवाज आ रही है। Can you hear me now? जी सर। So respected Pawan sir and Dr. Atul Vashne ji, Dr. Aradhana madam and Dr. Prashant and Dr. Vyadgi ji and other learned audience. So now today is the 35th lecture of the series. Dr. Ajay Kirti Jain was a guest speaker of this session. He delivered very nicely and he covered all aspects of the Prakriti Vigyan very nicely and very beautifully, and he elaborated that the importance of Prakriti Gyan in present era, and he delivered also about the nature to essential or to M of the Prakriti Gyan. Congratulate to Dr. Ajay Kirti Jain, he delivered their lecture in very nicely, and now. Today was a need to knowing the prakriti gyan. The acharya says ki parikshayastu khalu prayojanam pratipatti gyanam. That is aim to know to prakriti gyan and every dashvid gyan pratipatti gyanam. So pratipatti gyanam is a very ultimate goal to know the pratipatti gyanam is a to decide the treatment. In modern parlance, we Ayurveda emphasis on the individuality.
So it is our power. Individuality is our power. So we can use ki purusham purusham viksha. So in modern science, they can use this principle, but they doesn't know that. In example, in depression treatment, so they have lot of antidepressant medicines, the tricyclic antidepressant medicines, SSRI group, monoamine group, and every lot of group. So patient is not responding to one group medicine, so they shift to the other group patients. They shift in allopathy science. So indirectly they are using this principle. So it is time, it is need, it is time, it is high time that we can expand our this theory in a not in Ayurvedic science but our other parallel science also, modern science. So modern science can also use this theory, but they doesn't know this importance. So it is our duty to enhance our principle in a community and in a modern science also. So this is a basic aim. So you Dr. H. P. Dr. Kirti Jain also elaborate ki what is the use of prakriti parikshan in a various way in prevention. So this is a time, this is a present time with a non communicable disease are very prominent. So we should try to our prakriti gyan in a non communicable disease. So they are very prone time to non communicable disease are we can prevent a lot of disease by only knowing the prakriti gyan. So in dashvidh parikshit bhav basic aim to the bal dosh praman gyan heturva. So bal dosh praman the temperament, the prakriti emphasis on the temperament, genetic makeup, vitality and degree of the strength. So it is a basic, it is a emphasis on the our individuality. So our individuality is our strength, not our weakness. So Rognidan Parishad member and Rognidan scholars, it is our duty to expand our this theory in a community. So community can prevent a lot of disease itself by self the using the protocol of the prakriti following rules and regulations. So we can maintain homeostasis also a use of the prakriti gyan. So it is need to very very good lecture today Dr. J. Kirti Jain delivered very nicely, and he put some emphasis on the manasik prakriti bhav. So we should try to enhance manasik prakriti knowledge in modern parlance also. It is need. So we should try to establish this phenomena in a modern parallels. It is our duty. So our congratulate to our Dr. Kirti Jain, and I congratulate and I thank you to Rognidan Academy ki he gave me opportunity to hearing the a good lecture. Thanks all to coordinator. Thanks madam Aradhana ji. Thanks a lot ji. नमस्कार सर. नमस्कार. निश्चित रूप से आपने जो डिप्रेसिव मेडिसिन में मॉडर्न पैथोलॉजी एक मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन में शिफ्ट करती है तो वो प्रकृति की भिन्नता के कारण ही है. और जो एनसीडीज हैं जिसमें हम प्रकृति का बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं, जो कि आजकल कॉमनली बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ओबेसिटी है, डायबिटीज, मेलाइटिस है, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो कॉमनली आज भारत में पाए जाने लगे हैं, तो उसमें हम प्रकृति परीक्षण करके जो है बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं. और हम अपनी पैथी को कम्युनिकेटिंग डिजीज के साथ साथ ही नॉन कम्युनिकेटिंग डिजीज दोनों में यूज कर सकते हैं. इसके साथ ही आपने ये बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताई कि हम इसको केवल अपनी पैथी तक सीमित न रख करके अन्य पैथीज में भी इसको इनकॉर्पोरेट करें और उनको हमारी इस जो 5000 वर्ष पुराना हमारा ज्ञान है और हमारा दीर्घन जीवित जो शास्त्र है उसके बारे में विस्तार से थोड़ा थोड़ा इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो हमारे साथ जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी कोलेबोरेशन जो है वो बनता जाएगा. धन्यवाद सर.
अनुभव से भरा है जीवन आपका, जानता है आपको यह सारा जमाना, हर मुकाम हर ज्ञान में बहुत बड़े हैं आप, हमारे हर मंजिल में हमेशा साथ खड़े हैं आप। धन्यवाद सर, मैंने आपको एक ही बार चेयरपर्सन के लिए कहा, आपने सहज रूप से स्वीकार कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और डॉक्टर अजय कीर्ति जैन सर ने जो प्रकृति पर प्रोफार्मा बनाया, निश्चित रूप से वह हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे लिए भी बहुत लाभदायक रहेगा। भाई अजय कीर्ति जैन, शब्दों को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, शब्दों को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। और इसी तरह आपके शब्दों ने हमें ज्ञान से तृप्त कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही रोग निदान परिषद में उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं आभार प्रकट करने के लिए हमारे पीबीआर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर नीलम गुप्ता मैडम को आमंत्रित करती हूँ। मैडम माइक ऑन करिए। नीलम मैडम आवाज नहीं आ रही। नीलम बॉस आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज, वो अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रही है। म्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट करिए मैडम, अनम्यूट करिए। नीलम मैडम आपकी आवाज कहीं पहुंच ही नहीं रही है, अनुराग तक तो पहुंचती नहीं, मुझ तक भी नहीं पहुंच रही है। पांडे जी सुन रहे हो क्या? हाँ सर सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, नेटवर्क इशू लगता है सर हर कहीं। अनुराग धन्यवाद। मैम नमस्ते, मुझे भी बोलने का समय दीजिए एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एड ऑन करिए सर, जब तक मैडम की आवाज नहीं आ रही आप बिल्कुल एड ऑन करिए। सभी सभी टीचर्स को प्रणाम, आदरणीय पवन सर, व्याडी सर और सभी टीचर तो बच्चे थे यहाँ पे। पहले तो ये कि अजय कीर्ति जैन सर मेरी यूजी के टीचर हैं और मेरा आज सौभाग्य है कि मैं उज्जैन में बैठ करके ये लेक्चर सुन रहा हूँ। तो आज दोनों ही चेयरपर्सन सर और अजय कीर्ति जैन सर मेरे दोनों ही टीचर हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उज्जैन में बैठ करके लेक्चर सुना, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे ही अजय कीर्ति जैन सर हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और उनके पढ़ाने की शैली बहुत ही अद्वितीय है सर। छोटे छोटे से उदाहरण और अलंकरण देखकर के बहुत अच्छे तरीके से पैथोलॉजी पढ़ाते हैं, लैब चाहे वो लैब हो या थ्योरेटिकल पोर्शन हो। तो निश्चित ही सर ने आज का लेक्चर बहुत अच्छा दिया, मैंने आधा सुना क्योंकि मैं कहीं था बीच में तो मैं पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन सर को एक अद्भुत प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और दूसरी बात, खांडे मैडम का एंकरिंग है वो बहुत ही फेमस होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो मुझे लगता है मैडम को अब इंडियन आइडल से भी ऑफर आने वाला है बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन सर ने जो दायित्व दिया है उनका निर्वहन मैडम बहुत अच्छी से कर रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और पवन सर नमस्ते, मेरे पास तो सभी की आवाज पहुंची है, मेरा जैमर बड़ा टाइट है, मेरे पास आवाज आ जाती है, सबकी कोई बोले तो भी ना बोले तो भी आ जाती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनुराग। मैं रोग निदान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कोटेटवार सर से निवेदन करूंगी कि हमारे मार्गदर्शन के लिए दो शब्द आप कहें तो मैं तो नाम को रिनेम कर दूंगा। मैडम आपको विशेष धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम का संयोजन किया हुआ है और इस परंपरा को चला रही है। अजय कीर्ति सर तो हमारे सबके लिए आदरणीय है ही, निगम सर की भी याद आती है मुझे, हमारे लिए मैंने निगम सर यूएस निगम जी और फिर उसके तुरंत बाद अजय कीर्ति जी थे, उज्जैन के ये परिचायक ही थे। जैन साहब का जो जे आई एन है उसमें हमने एक जे और आगे लगा दिया था उज्जैन का, अजय कीर्ति उज्जैन साहब थे वो हमारे लिए यूएस निगम जी के साथ। अजय कीर्ति जी ने बड़ा अच्छा लेक्चर लिया आज प्रकृति पे, बड़ा मजा आया, मेरा विषय बहुत दिल के करीब है। सुरेंद्र जी ने उनका विद्वत्तापूर्ण उद्बोधन देके हम लोगों को अनुग्रहित किया, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। गणेश कोल्ले जी के नाम से प्रशांत जी छाए हुए आज, आप सब लोगों को धन्यवाद, बैडगी सर, अनुराग जी, जो निमिषा मैडम, सब लोग आप अपने व्यस्ततम समय में से यहाँ समय निकाल के इस परंपरा को चला रहे, संजय सिन्हा सर, थैंक्स अ लॉट टू एवरीबॉडी।
विशेष रूप से अजय कीर्ति सर, आपने अपना समय निकाला और हम लोगों को अनुग्रहित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी जुड़ते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे, ऐसी पूरी शुभकामनाएं और निवेदन है आपसे। अनुराग जी थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद सर। आराधना मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए। थैंक्स, धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। और मैं नीलम मैडम से आग्रह करती हूँ कि नीलम मैडम आए और आभार व्यक्त करें। नीलम मैडम प्रशांत सर, नीलम मैडम को देखिए। हाँ है मैम, वो अनम्यूट ही है। नीलम मैडम डॉक्टर अनुराग आप मेरे को सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अनुराग, कोई नहीं, नीलम जी आपके भाव हम तक पहुंच गए, धन्यवाद के आप है ना, कोई बात नहीं चलता है। आपने अजय जी को भी धन्यवाद दिया ही होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है नेक्स्ट अगले अगले सेशन तक आप अपना मैडम आइए, अपनी व्यवस्था ठीक कर लेंगी। ठीक है आइए। ओके सुरेंद्र सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो, अनुमति हो तो इस सेशन को समाप्त करें। आराधना जी को कह दीजिए। मैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर से आग्रह करूंगी कि आज की सभा के समापन के लिए वो आज्ञा दें, तो हम सभा को समाप्त करें। किसी कारण से नीलम मैडम आ नहीं पा रही हैं, अतः आप सभी रिस्पेक्टिव डिग्निटरीज का मैं स्वागत करते हुए और आपको धन्यवाद देती हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करती हूं और सर से सभा समाप्ति की घोषणा करने के लिए आग्रह करते हैं। डेफिनेटली मैडम, अब बहुत अच्छा रहा आज का, और आज का जो समय का यूज आपने इतना अच्छा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेट किया, और पवन सर को बहुत धन्यवाद, और सभी हमारी लोक विज्ञान एकेडमी से जो है उनको धन्यवाद कि इस तरह का एक इनोवेटिव प्रोग्राम आपने प्रारंभ किया है। यह प्रोग्राम सालों निरंतर चलता रहे, यही इसी अभिलाषा के साथ मैं इस पर समापन की घोषणा। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद जी, नमस्कार सर, नमस्कार, प्रणाम, सर प्रणाम। ठीक है मैम, एंड कर देता हूँ, है ना जी।